हे हेलो एवरीवन। तो आप ट्रेडर हो, अभी तो वीडियो क्लिक किया देखने के लिए, तो कुछ आपके फायदे की बात करते हैं। ट्रेडिंग करते हो लेकिन आपका साइकोलॉजी में शायद कुछ दिक्कत है, क्योंकि आपको डेली ट्रेड करना होता है, प्रॉफिट का लॉस करते हो। आपने बैठ के कभी कैलकुलेट किया है कि ट्रेडिंग के लिए कितने कैपिटल चाहिए और कितना से काम चल जाएगा? अगर आपको पता है कि आपको अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे दिए हुए हैं, आपके पास लेट से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया दिया हुआ है, 10K दिया हुआ है, आप ना हर महीने इसको डबल करते जाओगे ना, आप फिगर एज्यूम नहीं कर सकते हो विद इन ईयर कितना हो जाएगा। आप करोड़ों के मतलब करोड़ से ऊपर हो जाओगे, आप सोच नहीं सकते, बहुत ऊपर चलेगा आप। तो लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको ना पहले एक चीज़ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड करना क्या है। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ है, मार्केट खुला है तो दुकान लगा देना है, 9 बजे बैठना है, ट्रेड कर लेना है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये समझो कि पूरा एक महीने में 20 ट्रेडिंग डे होता है ना, तो 20 ट्रेडिंग डे में आप मुश्किल से 4 to 5 भी अगर आपने अच्छा ट्रेड पकड़ लिया ना, आपके बेहतरीन पैसे बन जाएंगे। 4 to 5 मतलब कितना छोटा सा बात है। आप तो एक दिन में 20 ट्रेड करने वाले इंसान हो, आप तो एकदम हनुमान जी हो ना, 30 30 40 40 ट्रेड, डे ट्रेड डे ट्रेड, एकदम तबाही मचा देते हो, और इसीलिए अभी तक वैसे ही गरीब पड़े हो, सारा कैपिटल उड़ा के बैठे हो। समझो बर्बाद, ध्यान से सुनना ठीक है, ये नाटक नहीं करना है। समझ में आ गई बात? पहली बात की ट्रेड पे थोड़ा सा साइकोलॉजी को बिल्ड करना है कि ट्रेड हमें कम करना है। ट्रेड कम करने का कुछ तरीका होता है, ऐसा बोलने से इंसान कम ट्रेड नहीं करता, मैं लॉजिकल बात सिखाता हूँ। आप ना ट्रेड करो लेवल बेस्ड ट्रेड करो, समझ गए? आप जब भी ट्रेड करोगे कैसा करोगे, आप करोगे लेवल बेस्ड ट्रेड करोगे। तो लेवल बेस्ड ट्रेड क्या होता है कि हमको अपने लेवल पे ट्रेड करना है, तो आपको ऐसा लेवल देखने आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के आप इतना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये सब प्रो टिप है जो बहुत बहुत ज्यादा पैसे लेके लोग सिखाते हैं। क्योंकि कभी भी आप बहुत बड़ा सा ट्रेड करोगे ना, तो सिर्फ चार्ट देख के आप एंट्री लोगे तो आपको कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। वो सिंगल कन्फर्मेशन हुआ ना चार्ट देखने के लिए, आपके पास कम से कम 2 से 3 कन्फर्मेशन होना चाहिए। आपको पहले बात मार्केट का सेंटिमेंट पता होना चाहिए, किधर जाने वाला है अभी इस राइट नाउ, कौन सा पोजिशन है इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। कि आपके साथ हुआ होगा ना कि पोजिशन लिया, ऊपर जाने का, मार्केट वहां से 200 पॉइंट नीचे चला गया, आपको पता ही नहीं चला क्यों चला। मार्केट में कोई भी मूवमेंट होता है उससे पहले तो डेटा में सारा कुछ आता है ना, कुछ कोई खरीद रहा होगा, कोई बेच रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ। आपको सबसे पहले डेटा है, डेटा रीड करना और डेटा पे सही तरीके से काम करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप उस डेटा वाले पार्ट पे अगर काम नहीं करते हो ढंग से, तो यकीन मानो आप एकदम मतलब वो जबरदस्त तरीके से ट्रेड को आप पकड़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि डेटा के साथ कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। हम देखो डेटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, मेरा तो खैर जीरोधा के अकाउंट है तो फ्री में मिलता है मेरे को, ये है मेरा सेंसिबल है, ठीक है। ये सेंसिबल का हम यूज करते हैं फीचर, इसमें सारा कुछ आइडिया पता चलता है। होता क्या, ध्यान से देखना कि सेंसिबल में जाते हैं, यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन इस जगह पे इस तरीके से हमें मिल जाता है। बहुत सारा होता है कि आईबी चार्ट आपको देखना है कैसे बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ता है। हम ना 3 चीज़ें यहाँ पे डेली के प्रैक्टिस में डालेंगे। जी सबसे पहले आ गए हम FII डेटा पे आ गए, ठीक है। FII के डेटा पे आ जाएंगे तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो देखो जरा ध्यान से, हर 3 लोग होते हैं। FII होता है हमें देखना पड़ता है, इसके बाद इंडेक्स ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, तब फ्यूचर को छोड़ दो, आप क्या देखो अपने ऑप्शन के बारे में बात देखना है। FII के बारे में बात करना है, प्रो के बारे में बात करना है, ठीक है। 2 लोगों का हम बात हम लोग यहाँ पे ध्यान से लेकर चलते हैं। जैसे आज देखेंगे कि आज के मार्केट में कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। खास मूवमेंट नहीं हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? अब यहाँ पे देखोगे कि ये कैसा है, माइल्ड बुलिश दिया है और मीडियम बियरिश दिया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में। अगर हम देखें यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बात करें थोड़ा सा बुलिश दिया है, पुट ऑप्शन में देखेंगे तो बियरिश का यहाँ पे बात हो रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए जरा प्रो के बारे में देखा जाए तो पुट ऑप्शन के लिए क्या है, थोड़ा सा मीडियम बुलिश है। ऐसा नहीं है मतलब कि पूरा पूरा दोनों के दोनों बुलिश है, मतलब इसीलिए मार्केट दोनों मूव ने किया। अगर ये FII हो जाए और प्रो हो जाए, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बुलिश है, इधर भी बुलिश है और इधर भी बुलिश है, तीनों एक लाइन में सिंक्रोनाइज हो जाए। होगा, महीने में कुछ दिन होते हैं, किसी किसी दिन कैसा होता है कि सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मार्केट रॉकेट बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यही केस में क्या होता है कि सब के सब यहाँ पे बियरिश हो जाते हैं, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी बियरिश जा रहा है, हर तरफ से बियरिश जा रहा है, तो क्या होगा कि हमको पहले से पता है कि मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट है नीचे जाने का। ये तो रहा एक ओवरऑल आइडिया कि चलो कल के लिए हमने देख लिया, यहाँ पे बात हमको पता चल गया कि ये बुलिश है कि बियरिश है, ऐसा इस जगह पे हो गया। सेकेंड जो मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो होता है ओपन इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट एंड कॉल पुट रेशियो, PCR रेशियो कहते हैं इसको, ठीक है। PCR रेशियो होता है, पुट कॉल रेशियो होता है, देख रहा हो गया यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ये रेशियो बहुत ज्यादा काम करता है, ये रेशियो 1 से ग्रेटर है ना
एक से ज्यादा है, मतलब समझो कि मार्केट में ऊपर जाने का, रॉकेट बनने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। देखो जो बेसिक नॉलेज होता है ना, बेसिक इज द एडवांस, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वही एडवांस है। बहुत ज्यादा कुछ प्रो चीजें नहीं होती है, कुछ कुछ बातें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ लोग सीखते हैं। जैसे हम इतने दिन से ट्रेडिंग करते हैं, मुझे पता है, तुम शेयर करेंगे हमको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिक बातों को ना काफी समझदारी से अप्लाई करना होता है, फिर हमारा काम वहां पे बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि पीसीआर और पुट कॉल रेशियो होगा, तो ये वो एक से ग्रेटर है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से एक बार कंफर्मेशन आ गया। इसके बाद जरा चलते हैं आगे की तरफ कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आखिर कितना ऊपर जाएगा, नीचे अगर गया कितना नीचे जाएगा, ये अगर पता चल जाना तो बवाल हो जाएगा, मजा हो जाएगा। मार्केट अगर ऊपर जाने वाला तो कितना ऊपर जा सकता है, और नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है। तो देखो इसके लिए आ जाता है जो भी सामने एक्सपायरी आने वाला है, ये दोनों के लिए देख सकते हो, बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हो और निफ्टी के लिए देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा वीकली, लिखा हुआ है यहाँ पे मंथली है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी हुआ, हमने यहाँ पे निफ्टी को ऐसा सेलेक्ट करके रखा, 0.1% हुआ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों का देख सकते हो, और ये वीकली एक्सपायरी भी बात करता है और मंथली एक्सपायरी पे भी बात करता है। तो डिटेल इसका तो अलग बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सीखना चाहते हो तो बताना, आई टीच यू दैट। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और हमें देखना है कि इस किस लेवल पे क्या बैठा हुआ। पहली बात तो ये देखना है कि इसे ना, जो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का जो बना हुआ है, ये कैसा दिया, पुट वाई दिया हुआ है, और जो रेड बना है कॉल दिया हुआ है। तो ये देखना है, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। और आप क्या हो, बायर हो। सेलर का मतलब बेच के बैठा हुआ है, बेच के बैठा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे 22,200 का जो लेवल है, 22,200 का अभी चल कितना रहा है, 22,405 चल रहा है, और ये कैसा है, 22,300 का लेवल दिया हुआ है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है कि 22,200 पे इतना ज्यादा पुट राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है। पुट राइटर मतलब ग्रीन हुआ, पुट वाले पुट राइटर हैं, पुट को बेच के बैठे हैं। पुट को बेच के बैठे मतलब इनको लगता है कि मार्केट नीचे तो जाने वाला नहीं है। आप कुछ भी कब बेच दोगे, जो आपको मान लो कि आपके पास साइकिल है, आप उसको बेच दोगे, आपके पास काम नहीं होगा तब ना, अगर काम होगा तो क्यों बेचोगे। तो ऐसे ही होता है कि मार्केट अगर नीचे जाने वाला होता और किसी के पास पुट ऑप्शन है तो पैसा बनाता ना, बेचता क्यों, बेच रहा है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ पे और देखेंगे, इस पूरे चार्ट को देखेंगे जरा। तो ये जो हमारा ये बना हुआ है ब्लू कलर का जो लाइन बना हुआ है ग्रीन जैसा, इस खंबे की जो लंबाई है वो ज्यादा है, जो रेड वाला खंबा है इसका जो लंबाई है, ऊंचाई है कैसा है, कम दिया हुआ है, इसका ऊंचाई ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पुट बेचने वाले लोग हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग हैं, और ये सेलर हैं, सेलर के पास पैसा ज्यादा होता है, मार्केट को वही ड्राइव करता है। तो उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही करेक्ट होगा। तो पुट राइटर यहाँ पे दबा के बैठे, मार्केट को भी गिरने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो 22,400 का देखोगे लेवल, यहाँ पे इस जगह पे लाल वाले हैं, कॉल राइटर है, लाल वाला जितना बना हुआ कैसा है, कॉल राइटर है, मतलब ये कॉल को बेच के बैठे हैं। तो कॉल को बेच के बैठे हैं, तो इनको लग रहा है कि मार्केट है वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन जरा खुद देखो, जो ज्यादा कन्विक्शन जिसमें ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियसली बात है मार्केट उधर की तरफ मूव करेगा। तो जो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, यानी कि जो पुट राइटर है उनकी आबादी ज्यादा है, और ये जो छोटा छोटा खंबा बना है जिसको बोलते हैं कॉल राइटर, इनकी आबादी क्या है, कम है। यानी कि कॉल राइटर है यहाँ पे तो है, लेकिन कॉल राइटर का कन्विक्शन यहाँ पे कम है, इसका मतलब मार्केट है ऊपर जाएगा। देखो ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करना है, तो कितना पे चल रहा है निफ्टी अभी, 22,405 है, तो बहुत अच्छे जोन पे है। अब ये क्या होता है कि 22,405 और ये हमारा कितना है, 22,400 है। तो 22,405 के पास अगर आके मार्केट टिकता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो अगला शॉट इसका है जो 22,500 तक पहुंचा सकता है। मार्केट थोड़ा टाइम टाइम बिताएगा यहाँ पे, सॉरी 22,450 पे बिताएगा, लेकिन अगला जो लाइन है यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को पता है ना कि एंट्री लेना होगा तो बीच में रैंडम क्यों उछल के हम एंट्री लेंगे, हम ये लेवल बेस्ड एंट्री करेंगे। मतलब ये जो 22,400 है यहाँ पे एंट्री करेंगे। मान लो कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हुआ और मार्केट आके यहाँ पे रुकता है 22,200 के लेवल पे रुकता है, 22,200 के लेवल पे, तो पुट राइटर बहुत ज्यादा है, मार्केट को गिरने नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे कॉल प्लान कर सकते हैं और ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इस दिन से लेवल बेस्ड ट्रेड करोगे ना, मतलब जिंदगी बदल जाएंगे तुम्हारे। अब जैसे मान लो कि यहीं पे चला जाए मार्केट यहाँ पे 22,500 पे, और यहाँ से डिप मारना स्टार्ट करे, पता है ना कॉल राइटर यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉल राइटर मार्केट को नहीं जाने देंगे, ऊपर तो नीचे गिरा देंगे। या फिर हो सकता है कि मार्केट का मोमेंटम ज्यादा है, इसको पार कर दिया, जब इसको पार कर दिया तो ये अब कॉल राइटर जो बेच के बैठे थे, जो सोच के बैठे थे, इनका उल्टा हो गया, तो अपना पोजिशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट और तेजी में उड़ जाएगा। समझ में आ गई बात। 22,800 तक का भी लेवल टच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 400 पॉइंट का लेवल टच करना। अगर मान लो यहाँ से उड़ना स्टार्ट हुआ तो
ये जाके 22,800 तक भी टच कर सकता है, एक बार में नहीं जाएगा इसको। 22,500 पे हर्डल मिलेगा, 600 पे मिलेगा, 700 पे मिलेगा, बिकॉज हर जगह पे क्या बैठा हुआ, कॉल राइटर बैठा है। लेकिन अभी क्या है, पुट राइटर का कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्लान नहीं करेंगे पुट साइड का। दूसरा होता है कि अब ये तो डेटा आज का हुआ, यही जब लाइव मार्केट चलते रहता है ना, तो इस डेटा को हम लोग लाइव मार्केट में भी जज कर सकते हैं कि अभी इस वक्त क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं इसका OI चेंज होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी के लिए कितना हुआ, जैसे देखते रहेंगे कि अगले 15 मिनट में क्या हो रहा है। ये देख रहोगे कि यहाँ पे पुट राइटर भी घट रहा है, कॉल राइटर भी, दोनों का दोनों घट रहा है, ठीक है। जैसे मान लें कि पूरे दिन में क्या हुआ, पूरे दिन में देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट को इसी 400 का जो लेवल, उसको पार नहीं करने दिया। क्यों नहीं पार करने दिया, क्योंकि 400 के पास लगभग कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बराबर है, तो एक ना गिरने नहीं दे रहा है, उठने नहीं दे रहा, तो उसी वगैरह रेंज में बांध के इसको रख दिया यहाँ पे। समझ में आ गई बात, तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर गया। तभी अब देखोगे कि यहाँ से मार्केट अगर क्रॉस किया, जिधर साइड भी क्रॉस करेगा, इधर क्रॉस करेगा तो यहाँ तक 22,200 आ सकता है, और इस जगह पर रुकने के बाद चले तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा मूवमेंट आपको मिल सकता है, जो कि 22,800 तक ले जा सकता है। तब क्या हुआ, मेरे को कन्विक्शन आ गया। तो ट्रेड प्लान करेंगे ना, तो उसमें ऐसा मेरे को क्लियरिटी हुआ कि यहाँ तक हम पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और रैंडम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है मार्केट के उस डायरेक्शन में जाने का। डेटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको अच्छे तरीके से सीखो। नहीं आता है मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बताओ। लेकिन सीख के करो ट्रेडिंग, महीने में लिमिटेड 5 से 10 ट्रेडिंग करो, लेकिन पैसे बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 ट्रेडिंग की है, एक में सब बुरा दी है। आपका मंथली रिटर्न कम से कम 50% होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देखना जितना कैपिटल है उसके, क्या 50% बना पाते हो? किसी दिन तो आपका 10 गुना होता है, अगले दिन साफ कर लेते हो। आपको टोटल मेरा नेट कितना बन रहा है, मेरे को उस पर ध्यान देना है, और उसके लिए डेटा बेस ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, फायदा ही मिलेगा, काफी कुछ उसमें सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय।